SOL के छात्रों की भी बड़ी समस्या रही है और जो है वो लगातार उनके कुछ प्रोटेस्ट भी हुए थे और कभी उनको स्टडी मटेरियल की बातें कहते हैं कि नहीं मिलती है, कभी उन्हें क्लास नहीं मिलती है, तो उनके बच्चे भी आपके संपर्क में रहते हैं? हाँ, उन्होंने डिस्कस किया था, अभी लड़के थे कि भाई उनकी क्लासेस शुरू हुई नहीं। अभी अजीब है यार, एक तरफ तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ, एक तरफ कह रहे हैं बेटा भगाओ। भाई एडमिशन पेपर दोनों के होंगे, क्लासेस सिर्फ एक की लगेगी, ये तो अजीब ही विडंबना है भाई। कभी मटेरियल नहीं मिलता, वो कह रहे हैं ऑनलाइन है, बच्चे कह रहे हैं ऑनलाइन नहीं है, कह रहे हैं ऑफलाइन हम भेज नहीं पा रहे हैं, कुछ कह रहे हमें मिले ही नहीं है। समझ नहीं आता कि कोऑर्डिनेशन मज़ेदार नहीं है, पर ये थोड़ा दुख भी लगता है कि ऐसी ड्यू 100 साल की हो गई है, पता नहीं कागज़ों में 100 साल की हो गई है, काम में 100 साल नहीं दिखते। 100 साल मतलब परफेक्शन, सही काम, सही समय और सही जवाब, और पर लेकिन फेल है। लेकिन ड्यू के VC साहब तो कहते हैं कि हम 100 साल के हो गए हैं और हम अच्छे विचारों का स्वागत कर रहे हैं जिससे इस विश्वविद्यालय को नई बुलंदियों पर ले जाया जा सके। हाँ, बुलंदियों पर जब जा रहा है विश्वविद्यालय, मना किसने करा है? 21-22 का सत्र आप खा गए, कॉलेज ऑफ आर्ट का हाल पता ही है, कभी इधर कभी उधर, उसको पता ही नहीं, वो कहता है मैं अंबेडकर में हूँ और कैलेंडर फॉलो कर रहा है ड्यू उसका अंबेडकर का, और ये कह रहे अभी ड्यू में है, और ड्यू SOL के बच्चे लेके मटेरियल नहीं आया, क्या कहते हैं कि रिजल्ट गलत हो गया, एबसेंट बताए गए बच्चे, तो फिर ये हो तो रहा है। ये तो बहुत ही तरक्की पर है ड्यू। आप ड्यू के VC साहब से क्या अपील करेंगे? जनाब, अपील तो सिर्फ ये कम शब्दों में कि जो भी हो अच्छा हो और सुचारू ढंग से हो, क्योंकि जो काम सुचारू रूप से होंगे वो सूचीबद्ध तरीके से अच्छे होंगे, उनके परिणाम भी अच्छे प्राप्त होंगे, इसके लिए काम करना होगा, काम चोरी नहीं। लेकिन ड्यू के VC तो बहुत काम करते हैं। नहीं, VC साहब काम करते हैं ना, पेड़ काम करता है, उसकी शाखाएँ काम नहीं करती। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें समय देने। शुक्रिया।